हेलो एवरीवन, आ चुके एक नए से ब्लॉग में। तो गाइस आज हम जा रहे हैं डोंगरगढ़। पहले भी जा चुका हूँ बचपन में, फिर से जा रहा हूँ देखने के लिए। आज उसे नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि में दो तीन दिन पहले हम गए थे कोराडी से। आज जा रहे हैं डोंगरगढ़ में, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। आप कंटिन्यू बने रहना। बाकी मेरे को पिछला ब्लॉग कैसा लगा वो मुझे ज़रूर कैसे कमेंट में बताइएगा, और ये ब्लॉग जो है कैसा लगेगा वो भी ज़रूर बताना। मिलते हैं आगे। सो भाई लोग, अपन आशीष सर लोग का रूम पे पहुंच गए हैं, सब रेडी हो चुके हैं, बैग पैक कर रहे हैं। उसमें एक्स्ट्रा कपड़े टी शर्ट वगैरह हैं, और मैं भी यहाँ पर टी शर्ट चेंज कर चुका हूँ क्योंकि वो टी शर्ट मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो बताना जरूरी है टी शर्ट कैसा लग रहा है। ट्रेन खड़ी हो गई है और हम लोग भागते भाग रहे हैं। ट्रेन का टिकट हो गया। ट्रेन कौन सा? आठ नंबर। डोली भाई, आठ नंबर में खड़ा है ट्रेन। चलो 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 अच्छे से पैक करके हर जगह वीडियो बना के लड़की बनती है। अपनी कंपनी एक भी नहीं पटाया हो सर, ऐसा मत बोलो। नहीं मेरे भाई, नहीं गलत नहीं कोई देखती नहीं। क्या बन लगे मेरे भाई? Thousand years later. माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मुंबई से चलकर राजनांदगांव दुर्ग रायपुर बिलासपुर के रास्ते हावड़ा में जाने वाली हावड़ा मेल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। इस गाड़ी में झेलते हुए पहुंच गए हैं। बड़ी कष्ट और झेलते हुए पहुंच गए हैं। स्टेशन आप देखिए कैसा लगा ट्रैवल करते हुए, देखते ऊपर चढ़ पाएंगे या फिर टू वन थोड़ा सा उल्टे हो जाएंगे। पैसा कुछ ज़्यादा नहीं है स्वागत कर लेते हैं। आज मेरे साथ एक नया फोन दिया, प्रोमोस बहुत अमीर हो गया, मैं बहुत अमीर। अरे 500 रुपये प्लस प्रोमोस मेरा फोन। अपन लोग पहुंच गए हैं। अरे अरे मिरर सर, तेरी में मिरर। अपन लोग पहुंच गए हैं डोंगरगढ़ के स्टेशन पे, और हम दिग्गज दर्शन हो गया। अब यहाँ से निकलने की तैयारी पे, हमको रिटर्न ट्रेन पकड़ेंगे और निकलेंगे। किसका? चलो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं लगा सब क्या
फ्रेश होते हैं, उसके बाद मंदिर की ओर रवाना होते हैं। मंदिर के दर्शन यहीं से हो जा रही है, रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन से ही मंदिर के दर्शन हो जा रही है, बट अपन फ्रेश होंगे फिर ऊपर जाएंगे। देखते उड़न खटोला से चलते हैं या फिर पैदल, पैदल से कोई जा नहीं सकता फिलहाल क्योंकि सब ड्यूटी करके निकले हैं, तो फिलहाल कोई जाएगा नहीं। आते वक्त का बोल सकते हैं कि नीचे उतरते हुए शॉपिंग करते हुए निकल गए। नाउ आवर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट सुबह से कुछ नहीं खाया कोई भी, दो सरों का उपवास है, हमारा नहीं है, लेकिन अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है, उसके बाद ही चढ़ पाएंगे, नहीं तो चढ़ भी नहीं पाएंगे। देखते उड़न खटोला से निकलते हैं या फिर पैदल। भाई साहब ब्रेकफास्ट होगा या लंच होगा या डिनर होगा समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा हाथ में भी नहीं आएगा। सर टेस्ट कर रहे हो क्या? कोई नहीं, अभिषेक और मैं खाएंगे इसको। अरे खाएंगे रे, झाड़ नहीं खा पाऊंगा साला, एक हाथ का होगा मेरा। सो फाइनली गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो गया और ये था, हर बार नहीं पता क्यों माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और हर बार हमें मिल रही बारिश। यहाँ पर भी बारिश स्टार्ट हो गई है, हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले ही। ये हमारा गुड लक है क्या सर? दिस इज आवर साइन, गुड साइन है। थोड़ा जोर से बोलो, गले में क्या खर रहे दबा के रखे कहाँ? उड़न खटोला कहाँ? भाई पैर दर्द दे रहा है, ऊपर से बैग पकड़ो, बैग में है नारियल वियल बहुत से प्रसाद है हमारे, और उसके से 50 सीढ़ी भी नहीं आई, पैर जमने लग गई। कोई नहीं, माता रानी का नाम लेते हुए चढ़ेंगे अपन ऊपर की ओर। ये बंदे 10 कदम चलते नहीं कि रुक जाते हर 10 कदम के बाद। अरे 10 कदम तो चल लो कम से कम, इसको ये सौ सीढ़ी चढ़ दिए, दिस से जबर गुड साइन। हर बार जब देखो बारिश मिलते रहता है। Thousand years later.
फिर से हम दौड़ते दौड़ते रिटर्न के लिए ट्रेन पकड़ते हुए। लाइफ ये अलग अलग लाइफ। लाइफ में बस दौड़ते रहना। चलो सर, चलो सर।